नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा की दो सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर उपचुनाव जो होने हैं उसका जो है घोषणा कर दिया गया है केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा कि 30 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 2 नवंबर को जो है परिणाम आपके सामने होगा। लेकिन अब सवाल है कि LJP किस तरह से चुनाव लड़ेगी, किन स्ट्रेटजी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। चूंकि RJD और कांग्रेस की बात कर ली जाए या तमाम दलों की बात कर ली जाए, JDU BJP सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ LJP के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। चुनाव आयोग का ऐलान हो गया है, आप लोग अब किस तरह से देखते हैं तैयारी, क्योंकि होनी चाहिए, उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। देखिए, हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। दोनों उपचुनाव को ध्यान में रख के आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता उपचुनाव की तैयारी में बहुत पहले से लगा हुआ था। अभी हमारे बिहार संसदीय बोर्ड में इसकी बैठक होगी, चूँकि तारीख का भी अनाउंस हो गया है और हमारे प्रत्याशी मोटा मोटी जो है फाइनल हैं। बस अनाउंस हमारे बिहार संसदीय बोर्ड और हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को ही करना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। लेकिन ये आप समझिए कि दोनों उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जो जनता है उनका इतना दबाव है हमारी पार्टी पे कि हम यह मान के आप चलिए कि हम दोनों सीट जीतने जा रहे हैं। क्या कुछ नाम की भी चर्चा हो रही थी, कुछ नाम भी आपकी पार्टी की तरफ से बता? बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम आए हैं और सब पे मंथन हो रहा है। बहुत जल्द प्रत्याशी के नाम की भी सूचना आप लोग को दी जाएगी और हम लोग दोनों सीट, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी जीतेगी। एक सवाल है, JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा है कि ये लोग तो विरासत की राजनीति करते हैं, कुछ है नहीं लोगों के पास, चिराग पासवान तेजस्वी यादव की। देखिए, पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी आ गई और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से बने हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और प्रदेश में कहीं इनका भ्रमण नहीं है। जब बाढ़ आता है तो हवाई सर्वेक्षण करते हैं और एक हत्या का जो दौर जारी है बिहार में, अपराध जिस तरीके से बढ़ा है और हर एक विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, जनता इसको देख रही है। और देखिए, दोनों जो विधानसभा की सीटें हैं, उपचुनाव जो हो रही है, ये दोनों मूलभूत समस्या से भी बहुत दूर है। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम किस पिछड़े इलाके में आ गए हैं, जहाँ लगता है कि सदियों से वहाँ पे विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। तो जनता में वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत रोष है, लोक जनशक्ति पार्टी इसको पूरा भुनाने का काम करेगी। एक सवाल है, विशेष राज के दर्जे को लेकर JDU लगातार मांग कर रही थी, अब JDU के मंत्री कदम तो थक गए हैं, BJP कह रही है कि अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ ढकोसलाबाजी करते हैं, कभी वह विशेष राज्य दर्जा दिलाते हैं, कभी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाते हैं। अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि जातीय जनगणना के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एक डेलीगेशन लेके गए और उसमें 25 लाख वोट हमको मिले थे लोक जनशक्ति पार्टी को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी निजी खुन्नस के वजह से वो हम लोग को नहीं लेकर गए। क्या हुआ इन तीनों वादों का? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको तो ध्यान ही होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में सबके सामने मंच से अनाउंस किए कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। तो जनता यह सब देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 16 साल से कोई विकास नहीं किए हैं और इनको भी पता है कि यह दोनों उपचुनाव ये हारने जा रहे हैं, तो इनको भय है, इसीलिए लगातार वह बात कर रहे हैं कि विरासत की, विरासत की, विरासत की। अरे विरासत तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि अनुकंपा पे, BJP के अनुकंपा पे आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आप में नैतिक मूल्य है? आप किस आधार पे आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं? कितना आपका विधायक है और कहाँ BJP का विधायक है? तो आप मुख्यमंत्री बन के और समझिए कि अपना सिद्धांत और आत्मसम्मान दोनों यह गिरवी रख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके पास कोई अब रोड मैप बिहार के विकास के लिए नहीं है और हम बार बार कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट से ही बिहार का विकास होगा और तारापुर कुशेश्वर स्थान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन से ही विकास होगा। तो बिल्कुल, चिराग पासवान की तरफ से भी दोनों सीटों पर दावा किया जा रहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से ही कुशेश्वर स्थान और तारापुर का विकास संभव हो पाएगा। आपने सुना, चंदन सिंह थे, लोजपा के प्रवक्ता हैं। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।